अभी जो त्रिपुरा के अंदर जो हालात हो रहे हैं और 12 तारीख के अंदर जो ऐलान किया है बंद का, तो इसको आप समर्थन करते हो क्या नहीं करते? हम कल जुमा के दिन जो त्रिपुरा के ऊपर जो में जो जुल्म वो सितम हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, उसके ताल्लुक से जो बंद बुलाया गया है, हम उसके समर्थन में कल पूरा बुडी लाइन, यहाँ की पूरी दुकान वाले सब दुकानें बंद रखना चाह रहे हैं, दुकानें बंद रखने वाले हैं पूरी। आप औरंगाबाद की जनता से क्या अपील करना चाहते हो कल के बंद के ताल्लुक? हम सबसे यही बोलना चाहेंगे कि भाई सब मिलकर दुकानें बंद रखें, चाहे जो सब कास्ट के लोगों ने बंद कर रखना चाहिए। देखिए, कल जो बंद का ऐलान रखा गया है तो त्रिपुरा में जैसा मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती हो रही है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियाँ हो रही है, उसके लिए जो कल बंद का जो है तो ऐलान किया गया, तो उसका हम पूरा समर्थन करेंगे। और मैं बुडी लाइन की जानिब से, बुडी लाइन की जो आवाम है, उन्होंने भी ये तय किया है कि हम कल के दिन पूरा बुडी लाइन बंद रखेंगे। जैसा ही बुडी लाइन के लोगों ने ये तय किया है कि हम कल बंद रख कर पूरा समर्थन करेंगे, तो मैं हमारे पूरे औरंगाबाद की आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि बुडी लाइन के साथों साथ पूरा औरंगाबाद बंद रखे, शांतिपूर्वक समर्थन दे और इस बंद को कामयाब करे। कल जो अमन शांति का जो बंद का प्रोग्राम रखा गया है, वो सारा कल बुडी लाइन हमारा संबद्ध करेगा कि पूरा बुडी लाइन बंद रहेगा, पूरा औरंगाबाद भी बंद रहना चाहिए। क्या आज एहतियात जगहतियात जमली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जुर्म ज्यादती हो रही है उसके लिए इस पर करना बहुत ज़रूरी है। कल हम इसलिए जुमे के दिन 12 तारीख को बंद बनाएंगे और पूरा मुकम्मल करेंगे। औरंगाबाद की जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि ये इसमें सब अपन जाता हो सके समर्थन दीजिए, क्योंकि ये हमारे सब आज का जो है दौर के लिए ज़रूरी है। अगर आज नहीं कर सके तो फिर आगे आप बहुत परेशानी हुई। अस्सलाम वालेकुम। कल रज़ा एकेडमी ने जो कल बंद का ऐलान किया है, हम उसका समर्थन करते हैं। मैं बुडी लाइन का कारोबारी दावत बिरयानी से, कल हमारा कारोबार बंद रख रहे हैं त्रिपुरा में जो मुसलमानों पे जुल्म ज़्यादती, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बेहुर्मती जो कर रहे हैं, उसका हम बंद के तौर पर ऐलान करते हैं। हम कल 12 तारीख का जो बंद है, जो रज़ा एकेडमी ने जो बंद का ऐलान किया है, तो हम इसका समर्थन करते हैं। और जो हमारे मस्जिदा जलाए और हमारे कुरान की बेअब्दी करे और हुज़ूर अल्लाह सल्लम के बारे में जो गलत बयान दिए, तो उसकी भी मजम्मत करते हैं। और हम सब मुसलमान भाइयों से, सिटी के औरंगाबाद सिटी के मुसलमान भाइयों से ये अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि सब अपने अपने दुकाना बंद रखे एक दिन के वास्ते। 12 तारीख की जो ऐलान किया है तो जी, उसका समर्थन करते हैं क्या? हाँ, हम उसका समर्थन कर रहे हैं, जो कि हमारे मुसलमान भाइयों पे जुल्म हो रहा और मस्जिदों को नुकसान पहुँचाया जा रहा और जो हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहे, तो मेरी पूरी औरंगाबाद की जनता से अपील है कि कल जो है तो हमारे कौम के लिए कुछ ना कुछ हमदर्दी हासिल कीजिए और कल बंद रखो आप। ये जो बंद का ऐलान किया है, तो इसका समर्थन करते हो क्या? करते हैं ना, करते हैं समर्थन। कल हम बंद करेंगे दुकान। तमाम औरंगाबाद के लोग, कल मुसलमान भाई लोग कल दुकान बंद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कल जो बंद का ऐलान किया, हम उसका समर्थन करते। त्रिपुरा में जो हमारी मस्जिद जलाई जा रही, कुरान पाक जलाई जा रही, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है, इसके वजह से सारे लोगों से ये अपील है कि कल अपने को पूरा औरंगाबाद से अपील है कि पूरा मार्केट बंद रखना है। हाँ, मैं उसका समर्थन करता हूँ। और कल 12 तारीख के दिन जो तो मैं अपनी दुकान जो तो बंद रख रहा हूँ। और मैं औरंगाबाद की आवाम से अपील करता हूँ कि आप लोग भी अपनी दुकानें बंद रखें और इसका समर्थन दें। बिल्कुल समर्थन करते हैं, बंद रखना चाहते हैं हम कल भी। मस्जिदें जो जलाई जा रही है उसके लिए हम समर्थन करते हैं। रज़ा एकेडमी ने जो कहा है, हम उसके समर्थन में उसके साथ है। औरंगाबाद की जनता से अपील है कि कल सब सपोर्ट करें, शामिल रहे इस चीज़ में, अपने अपने कारोबार बंद रखे। आज हम मौजूद हैं MCN समाचार के तरफ से बुड्डी लाइन में, और आज हमने यहाँ पे शॉप्स की शॉप ओनर से बात की है। कल के बंद के ताल्लुक से ऐलान किया है त्रिपुरा वायलेंस के ताल्लुक से। आइए, हम यहाँ के कुछ लोग जानते हैं हमारे साथ, इनसे थोड़ी बात कर।
बिल्कुल इसका जो है समर्थन करते हैं हम, और हम एहतजाज भी करेंगे कल, और रजा एकेडमी के साथ में हैं हम सब लोग हैं, और बुड्डी लाइन नए शहर औरंगाबाद की तरफ से है, और ये भी जताना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबको कि कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए तुमने, और जो मुसलमान की जो अमला को जो नुकसान पहुंचा है, जितने प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचा है, मसाजिद को और हुजूर के शान में जो गुस्ताखी हुई उसके ताल्लुक से हम जो है सब एकजुट है, और हम इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कल का जो बंद है हम चाहते हैं और हम अपील भी करते हैं हर एक एक इंडिविजुअल से कि सब इसमें शामिल हो और एक बंद मनाए, और गवर्नमेंट को ये जताए कि हमारे में जो है एकजुटी है और आपने एक्शन लेना चाहिए, जितने भी कल्प्रिट है सबको जो है आपने बुक करना चाहिए और उसके ऊपर केसेस होना चाहिए, और मुसलमान को और मुसलमान के अमला को और प्रॉपर्टी जितनी भी है सब सेफ गार्ड होना चाहिए। बिल्कुल समर्थन करते हैं, और हम सारे लोगों से अपील करते हैं कि आप सब लोग इसमें शामिल हो और अपना एहतजाज जाहिर करें और इसके लिए सब मिल साथ रहे। तो आज आपने देखा हमने बुड्डी लाइन की जनता से बात की है और यहाँ के दुकानदारों से भी बात की है, तो ये कल के बंद के समर्थन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण समर्थन, कल ये अपनी अपनी दुकानें बंद रखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए MCN समाचार, खान राफे मोहम्मद के साथ।